सो ये गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो कल गाइस हमने आपने देखा था कि हमारे गाइस ड्यू टैग कैसे काम करता है, यूएल टैग क्या होता है, एलआई टैग क्या होता है। उससे पहले गाइस हमने जाना था हमारे गाइस एचवन टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, उससे पहले मेटा टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, लिंक क्या होते हैं, मतलब गाइस रिंक स्टाइल स्ट्रीट एचआरईएफ, मतलब गाइस जो हमारे काम आता है सीएसएस में बैकग्राउंड कलर करने में, मैंने गाइस आप सबको फुल डिटेल्स के साथ बता दिया है। तो चलिए गाइस अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे गाइस लाइव सर्वर रन करके हमारे गाइस वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो रेड कलर बैकग्राउंड में दिख रहा है वो सीएसएस के माध्यम से, सीएसएस का कोर्स हमारे गाइस जब से एचटीएमएल का खत्म हो जाता है मैं आप सबको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस दिस इज माय वेबसाइट, और यहाँ पे गाइस सबको जो डॉट्स दिख रहे होंगे वो आया हमारे गाइस एलआई टैग के मदद से, और यहाँ पे गाइस आप सबको एक लाइन दिख रही होगी दिस इज माय वेबसाइट के नीचे, तो ये आता है हमारे गाइस एचआर टैग के मदद से। तो मैंने फुल्ली डिटेल्स में आप सबको बता दिया, अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो। और ये आइटम वन आइटम टू हमारे गाइस यहाँ पे वर्ड्स है, और यहाँ पे गाइस हमारा हेडिंग टैग है आप सबको पता है दिस इज माय वेबसाइट। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं हमारे गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे गाइस मतलब हमारे वीएस कोड में। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में हमारे गाइस यूएल मतलब गाइस बोल्ड टैग क्या होता है, इटैलिक टैग क्या होता है, और गाइस अंडरलाइन टैग क्या होता है। मतलब गाइस हमारा बोल्ड आप सबको तो पता है बोल्ड क्या होता है, मतलब गाइस आपके मतलब जो वर्ड्स है उसको गाइस थोड़ा मतलब उसको ये दे देता है स्ट्रोक, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे गाइस वैसे वो काम आने वाला है हमारे गाइस बोल्ड टैग। तो चलिए मैं आगे आप सबको बताता हूँ बोल्ड टैग। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस मैं बना लेता हूँ हमारे गाइस यूएल टैग के, यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा स्पेस और यूएल टैग को यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे गाइस ड्यू टैग को फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं ये ड्यू टैग के नीचे। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ टैग आ चुका है तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे लिखता हूँ हमारे गाइस ड्यू टैग। तो यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए क्योंकि ऊपर ड्यू टैग है, तो मतलब जो टैग होता है ऊपर तो उसको क्लोज भी करना चाहिए। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज किया तो अभी गाइस हम लोग क्लिक करते हैं एंटर पे, और यहाँ पे लिखते हैं एक न्यू ड्यू टैग, मतलब गाइस एक न्यू सेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने न्यू सेक्शन यहाँ पे बना दिया। अभी गाइस हम लोग इसमें ही इसके अंदर ही हम लोग यूज़ करेंगे हमारा गाइस बोल्ड टैग, यूएल टैग, और गाइस हमारा मतलब यूएल टैग अंडरलाइन टैग, और उसके साथ साथ हमारे गाइस ये इटैलिक टैग। तो चलिए गाइस अभी बात करते हैं हमारे गाइस सबसे पहले बोल्ड टैग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ उसके मतलब बस उसी को आपको बोल्ड टैग में मैं करके दिखाऊंगा, फिर अंडरलाइन टैग में, उसके बाद हमारे इटैलिक टैग में। तो चलिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे गाइस हम लोग लिख देते हैं कुछ वर्ड, मतलब गाइस जिसके वजह से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाए हमारा बोल्ड टैग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बोल्ड टैग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा बी लेना है, मतलब गाइस आपको बी वर्ड लेना है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा बोल्ड टैग आ चुका है। अभी गाइस इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी तो आपको गाइस मतलब जो हेडिंग होता है उसी के तरह आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगा, छोटा सा हेडिंग, मतलब गाइस ये थोड़ा आपको नहीं क्या ज़्यादा से इसमें डार्क कलर में देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज आवर वेबसाइट। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर वेबसाइट। यहाँ पे देखते हैं हमारे गाइस बोल्ड टैग काम करता है या नहीं। तो अभी यहाँ पे मुझे लाइव सर्वर में रन करके आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा, तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ माय वेबसाइट। यहाँ पे गाइस अब लाइव सर्वर में रन करके देखते हो तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब गाइस यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कलर में देखने को मिल जाएगा दिस इज़ आवर वेबसाइट। अभी गाइस मैं इसी को अगर नॉर्मल वर्ड्स में लिखता हूँ तो दिस इज़ माय वेबसाइट के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम हनी, अभी देखना गाइस आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा लेटर्स में, मतलब गाइस इसमें लेटर्स थोड़ा डार्क देखेंगे और उसमें थोड़ा लेटर्स आपको हल्के में जैसे मतलब नॉर्मल होता है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा डार्क दिख रहा है और ये थोड़ा अलग। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ हेडिंग टैग के बाद हमारा जो बोल्ड टैग होता है वो ही गाइस मतलब थोड़ा डार्क में आपको देखने को मिलता है, बाकी सब अगर आप लिखोगे तो वो नॉर्मल वर्ड्स में दिखेगा। तो ये होता है हमारा गाइस बोल्ड टैग। अगर गाइस इसको अभी हम लोग देंगे शेप हमारा मतलब गाइस इटैलिक टैग, तो चलिए बोल्ड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं हमारा गाइस इटैलिक टैग। इटैलिक टैग के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस आई यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं आई यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा आई एक्स्ट्रा आ चुका है। तो इटैलिक टैग का मतलब है गाइस ये जो आपका वर्ड है वो थोड़े डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब गाइस यहाँ पे आपको राइट साइड में झुका हुआ देखने को मिल जाएगा आपके वर्ड्स। चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ एक टैग, मतलब गाइस जो है हमारा आई टैग। तो मैं यहाँ पे अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे क्लोज किया अब हमारा लाइव सर्वर रन करके देखते हैं क्या हमारे वर्ड्स आपको देखने को मिल गए राइट साइड में। देख सकते हो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से आई एम हनी हटा देता हूँ क्योंकि इसके वजह से थोड़ा आपको मतलब दिख रहा नहीं होगा अच्छे से। तो चलिए ये बोल्ड टैग को मैं क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं हमारा लाइव सर्वर रन करके। तो यहाँ पे कैसे मैं लाइव सर्वर रन करता हूँ यहाँ पे आप सभी को आइट हमारे जो लेटेस्ट है वो थोड़ा वन साइड में आपको झुके देखने को मिल जाएगी, मतलब राइट साइड में। तो ये होता है हमारा कैसे इटैलिक टैग जो बहुत काम आता है
अगर आप वेबसाइट को प्रोफेशनली डिज़ाइन करना चाहते हो तो चलिए कैसे हमारा जो हेडिंग है उसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, मतलब ऐसे इटैलिक टैग के मदद से। तो H1 टैग के बीच में आप सभी को ये टैग लिखना है, आई टैग। तो गाइस ये आपकी पहली वेबसाइट है अगर आप हमारे मतलब कोर्स में पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो आप सभी को यहाँ पे, तो ये आपकी पहली वेबसाइट है जो गाइस आप लाइव सर्वर में रन करते हो। तो मतलब खुद से डिज़ाइन करना, और अगर आप ऐसे प्रोफेशनली यूज़ करते हो, अगर आप ऐसे भी बना सकते हो लेकिन खुद से अगर आप लर्न करोगे तो फिर गाइस आपको एडिटिंग में बहुत काम आता है। इसलिए गाइस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हर एक बंदे को आना चाहिए जिसको गाइस वेब डेवलपमेंट करना है, एक वेब मतलब गाइस फुल स्टैक वेब डेवलपर अगर बनना है। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे हम लोग हमारा आई यहाँ पे ये कर देते। तो यहाँ पे हमने एक मतलब इसे क्लोज वाला टैग नहीं दिया हमारे आई टैग को, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आई टैग को क्लोज कर देते। तो यहाँ पे हम लोग दे देते एक स्लैश, तो यहाँ पे हमने स्लैश दे दिया। अब देखते हमारा गाइस ओपन करके, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइव शो में दिस इज माय वेबसाइट, आपको राइट साइड में झुका हुआ दिख रहा है, तो फुली डिज़ाइन में अच्छा दिख रहा है। अब गाइस हम लोग हमारा जो CSS का है उसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, मतलब गाइस हमने जो CSS का लिखा था तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। तो ये CSS का पार्ट आगे चल के आप सबको मैं फुली डिटेल्स में बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारा गाइस नेक्स्ट कोर्स जब स्टार्ट हो जाएगा CSS का तब आपको मैं फुल्ली बताऊंगा। क्योंकि गाइस अगर आप CSS अभी करोगे तो आपको HTML का कुछ नहीं समझेगा, इसके वजह से मैं आपको वो बाद में ही बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी देखते हैं हमारे गाइस इसको भी मैं आइटम्स वाले को भी कर देता हूँ हमारे गाइस H1 टैग के अंदर, मतलब गाइस LI टैग को। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे जो हमारा आइटम टैग है, मतलब गाइस हमारा जो आइटम्स लिखा हुआ है वर्ड, तो उसे मैं यहाँ पे भी वन साइड कर देता हूँ, मतलब गाइस ये भी अच्छा दिखेगा आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ से हटा दिया, अभी देखते हैं यहाँ पे आपको लिखना है एंड में, मतलब जहाँ जहाँ आप लिखोगे वहाँ वहाँ ये टैग लगाओगे तो ये गाइस ऑटोमेटिकली आप सभी के लिए वैसे ही काम करेगा, मतलब वन साइड में आप सभी को झुके हुए आपके वर्ड्स दिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे भी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, स्लैश आए यहाँ पे इसे टैग बंद। अब देखते हैं ये हमारा LI टैग आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आई टैग यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो देखते हैं अभी, तो इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो LI टैग के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है, तो चलिए आए लिख के इसे क्लोज। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आए आ चुका है हमारा, यहाँ पे मैंने इसे भी क्लोज कर दिया, अभी इसे भी क्लोज कर देते हैं हम लोग हमारे आई टैग के मदद से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा आई टैग, तो यहाँ पे अभी इसे भी मैं फुली हटा देता हूँ, और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग वाला आई टैग, तो यहाँ पे मैं इसे आई टैग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फाइनल गाइस यहाँ पे हमने आई टैग यहाँ पे दे दिया, अभी देखते हैं हमारे गाइस लाइव सर्वर रन करके क्या हमारा वर्क करेगा या नहीं। मतलब गाइस वन साइड में आप सबको ये जो आइटम वन है आइटम टू है झुके हुए दिखेगा या नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी लाइव सर्वर रन करके, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ से हटा दिया, अभी देखते हैं हमारे गाइस लाइव सर्वर रन करके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे गाइस आइटम वन आइटम टू ये भी आप सबको झुका हुआ दिख रहा है, मतलब गाइस हमारा गाइस इटैलिक टैग वर्क कर रहा है। बोल्ड टैग भी यहाँ पे देख सकते हो, तो चलिए गाइस मैं इसे भी बोल्ड टैग दे देता हूँ। तो बोल्ड टैग की मदद से आप सभी मतलब फ्रीली इजीली गाइस आप सभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा बोल्ड टैग को मैं LI टैग के बाहर लगा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ UL टैग के अंदर, तो यहाँ पे स्लैश बी और इसे क्लोज। अब यहाँ पे हमारा गाइस UL टैग एक्स्ट्रा आ रहा है शायद से, तो मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ इटैलिक टैग। यहाँ पे हमारा LI टैग आ गया, तो इसे क्लोज करके हमारा LI टैग कहा गया, LI टैग स्लैश LI टैग। तो फाइनली यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया, अभी यहाँ से हमारा बोल्ड टैग यहाँ पे लग चुका है। अभी हम लोग जाके देखते हैं लाइव सर्वर में क्या ये बोल्ड में आएगा हमारे आइटम वन आइटम टू या आइटम थ्री। तो देखते हैं यहाँ पे मैं गाइस देख सकते हो गाइस बोल्ड में आ चुका है। अभी गाइस बात करते हैं हमारे गाइस अंडरलाइन टैग के बारे में, तो गाइस ये होता है हमारे गाइस यू टैग आपको लिखना पड़ता है, यू के वजह से आप गाइस इसे अंडरलाइन में ला सकते हो। तो चलिए गाइस हमारे इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे गाइस UL टैग को। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में आप सबको लिखना है यू, और यहाँ पे मतलब गाइस आपको एक टैग देना है, मतलब हमारा गाइस ग्रेटर देने का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमारे यू टैग, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली VS कोड प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको इसको अगर स्टार्टिंग में आप लिखते हो तो इसे एंड भी करना होता है, तो जिस वर्ड के बाद लिख रहे हो तो वो भी गाइस आपको देखना पड़ता है। तो चलिए गाइस मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे गाइस यू टैग को, क्लोज कर देता हूँ यू टैग। यहाँ पे हमारा यू टैग क्लोज हो चुका है फुल्ली।
अभी देखते हैं हमारे गैस अंडरलाइन में आता है या नहीं, दिस इज अवर वेबसाइट। तो देख सकते हो यहाँ पे अंडरलाइन में आ चुका है। तो ये था कैसे हमारा गैस यू टैग, मतलब गैस अंडरलाइन कर में आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे अंडरलाइन करे हुए। तो यहाँ पे हमारा दिस इज माई वेबसाइट को भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब जो हमारी हेडिंग है वेबसाइट की तो उसे भी हम लोग कर देते हैं। तो देखते चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा गैस यू टैग। तो सबसे पहले स्लैश, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा यू टैग और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैग के सिंबल से। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है, मतलब एक बार आप स्टार्ट करते हो तो उसे एंड भी करना होता है अगर आप टैग किसी भी टैग को यूज़ कर रहे हो। तो चलिए ऐसे यहाँ पे मैंने टैग लिख दिया, यहाँ पे इसे क्लोज किया तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले जब भी आप टैग लिखोगे उससे पहले उसके बाद ही आप सभी को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे अभी मैं टी लिख देता हूँ हमारा गैस कैपिटल टी। अभी देखते हैं हमारा गैस ये क्या अंडरलाइन में आएगा हमारी हेडिंग। तो फाइनल गैस यहाँ पे हमारी हेडिंग भी अंडरलाइन में आ चुके। तो गैस आज हमने सीखा गैस हमारा गैस यूएल टैग क्या होता है, मतलब गैस यू टैग क्या होता है, हमारा गैस बोल्ड टैग क्या होता है, और गैस हमारा गैस मतलब वो इटैलिक टैग क्या होता है। तो ये टैग्स आप इजीली यूज़ कर सकते हो अगर आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हो। तो आगे चल के गैस मैं आपकी वेबसाइट को मतलब गैस फुल्ली डिज़ाइन करके बताऊंगा आप एक मतलब ब्यूटीफुल वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में हमारे एचटीएमएल।